हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में 3 से 4 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो आपको शॉर्ट टर्म मींस 1 से 2 महीने में 10-15% और 20% तक का प्रॉफिट दे सकता है। ओके, और आपको बताना चाहता हूँ, देखिए थोड़ा थोड़ा पैसा भी इकट्ठा करोगे ना तो भी बिलेनियर और मिलेनियर बन सकते हो, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और उसके लिए आपको एक वीडियो देखनी होगी मेरी, कौन सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे 1 लाख रुपए के निवेश से 800 करोड़ रुपए की तक पहुँच सकते हो। इस वीडियो को देखिएगा, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप केवल 1 लाख रुपए लगा के 800 करोड़, और अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं ना, 1 लाख से भी ज़्यादा आप इन्वेस्ट करके रखते हैं और उसमें से आधा पैसा भी इस स्ट्रेटेजी के थ्रू आप लगा देते हैं ना, तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा पैसा मार्केट से कमा सकते हो, विजय केडिया की तरह पैसा कमा सकते हो, किसी को भी बीट कर सकते हो। बस उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को देख लीजिए। अगर इस वीडियो को आपको लगे कि हाँ अच्छी वीडियो है ये, तो आपको डेफिनेटली आप उस तरीके से पैसा कमा सकते हो। और तरीका क्या है वो मैं इस वीडियो में पहले भी बता चुका हूं, इस वीडियो में दोबारा रिपीट करने वाला हूं सेम चीज। तो देखिए क्या है, आपको केवल 5% महीने का 5% पैसा कमाना है, और 5% पैसा किस तरीके से कमा सकते हैं, मतलब 1 लाख रुपए का 5% 5,000 होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि 1 लाख रुपए का अगले में 1 महीने में डबल हो जाए, मैं ऐसी कोई आपको सपने नहीं दिखा रहा, मैं आपको केवल 5%। क्या 1 लाख से 5,000 पे आप नहीं कमा सकते अगर आप अच्छी तरीके से मार्केट में हो? और आप देखते हो कि मार्केट में किस तरीके से आप डेली स्टॉक्स की चाल क्या है, मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स नीचे आते हैं फिर ऊपर जाते हैं फिर ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, तो आप उसका अंदाज़ा लगा के आप इन्वेस्ट कर सको ना, तो आप 5% क्या आप 10% भी कमा सकते हैं, बट मिनिमम 5, 4, 3 कितना भी आप कमा लीजिए, आप अच्छा खासा, अगर 800 करोड़ नहीं, अगर 3% भी कमाते हो तो कम से कम 100 करोड़ कमा सकते हो, और क्या चाहिए, और वो भी किससे, 1 लाख रुपये से। तो उसी से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास लाते रहे। बाकी अभी एक वीडियो डाली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट ब्रेकिंग न्यूज़, अगर कैडिला कोविड वैक्सीन मेडिसिन आने वाली है, वैक्सीन नहीं आने वाली, मेडिसिन आने वाली है, और जायडस मुथूट फाइनेंस, ये इससे रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ है, इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ये वीडियो काफ़ी आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। एज वेल एज कल की में भी अच्छी खासी वीडियोस मैंने अपलोड करी है, 3 वीडियो, उसे देख लीजिएगा, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर अगर वीडियो देखते हो तो ज्ञान तो हमेशा मिलते ही है। किसी की भी वीडियो आप देखें, एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मिलेंगे, अगर आपका डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है यहाँ क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। और एक और दूसरा लिंक है, यहाँ श्री राम जी का अयोध्या मंदिर बन रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे इनकी वेबसाइट पर ले जाएगा, और अपनी इच्छा अनुसार जो दान देना चाहे दान दे सकते हैं, दान देना एक पुण्य का काम होता है। अब आइए सीधे वीडियो की तरफ, देखिए एक प्रैक्टिकल चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट। आपके सामने है, अगर हम यहाँ पर देखें ये 24 अप्रैल से अभी तक, लगभग एक साल में इसने, अगर आप देखते हैं तो 1% के रिटर्न दिए, 1.13% के रिटर्न आपको दिखाई दे रहा है, मतलब 25 रुपये ये शेयर अभी ऊपर चल रहा है, मतलब एक साल में 1% के रिटर्न। क्या आप एक साल में 1% के रिटर्न के लिए आए हैं मार्केट में? क्या आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर आप केवल 1% ही कमाना चाहते हैं? नहीं ना, तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। देखिए अगर आप इसे देखने का दो नज़रिया है, एक तो आपको दिखाई दे रहा है कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह आप इन्वेस्ट कर लीजिए और एक साल में 1% का रिटर्न आए, चाहे 100% का रिटर्न आए या चाहे 10% का रिटर्न आए, आप उसे लेके खुश रहिए। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है जो आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर मार्केट नीचे गई, ऊपर शेयर था नीचे गई और फिर इसके बाद यहाँ पर भागी। अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं तो लगभग 17-17% यहाँ पर कैलकुलेट करते रहिएगा, 17% की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ आपने 10% कमाए तो 10% यहाँ पर रख लीजिए। इसके अलावा फिर शेयर बाजार ये मार्केट नीचे गई, आपने फिर यहाँ पर इन्वेस्ट किया कहीं भी और ये शेयर यहाँ पर कितना 18% 20%, बट यहाँ भी मैं कहता हूँ कि आपने 20% नहीं, आपने 15% यहाँ पर कमाए है, तो 10% वो कमाए, 15% यहाँ कमाए, कितने 20%। फिर इसके बाद मार्केट नीचे गई और ये नीचे गई और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर ये शेयर 14% यहाँ दिया, यहाँ भी आपने 10% कमाया, 10 प्लस
15 प्लस 10 लगभग 35% का प्रॉफिट आपने एक ही शेयर में कमा लिया। ओके, इसे कहते हैं कि एक साल के अंदर अंदर आपने, अगर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर बन के रह जाओगे तो फिर आपको देखिए लिमिटेड ही आपको लॉन्ग टर्म बहुत फ़ायदा होगा। अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें, अगर किसी ने यहाँ इन्वेस्ट किया होगा तो ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा 1200% के रिटर्न मिल रहे हैं। जितने भी साल लगे हो, लगभग 20 साल 21 साल हो गए, इतने साल 23 साल लग गए हैं, बट आपने 1200-2100% के रिटर्न मिल गए, प्लस बोनस प्लस डिविडेंड जो भी मिला ABCD। बट अगर हम बात करें एक साल की, तो एक साल में 1% के ही रिटर्न मिले हैं। तो अगर आप दूसरा तरीका देखना चाहो ना, तो आप अच्छे खासे रिटर्न कमा सकते हो इस स्ट्रेटजी से कि आप जब नीचे आए, अब देखिए नीचे कब कितना आएगा वो किसी को नहीं पता, ऊपर कितना जाएगा वो किसी को नहीं पता, बट एक शेयर की चाल होती है ना, वो देख के हम देख सकते हैं कि क्या होता है। तो देखिए सिंपल सी स्ट्रेटजी है कैसे, तो देखिए HUL का ही मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देखता हूँ। ये है आप यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का ऐप, ओके यहाँ पर भी मैंने खोला हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं HUL, ओके हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक मिनट, तो देखिए एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है RSI की। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये शेयर गया था, ओके यहाँ पर RSI क्या चल रही थी, लगभग 60 से 70-80 के बीच में जब RSI आ जाती है, चुपचाप यहाँ पर बेच के निकल जाइए। ओके, और यहाँ पर जब नीचे आएगा, दोबारा नीचे आएगा, ये 2200-2100 रुपये तक आएगा, फिर खरीद लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए ये कितनी RSI पे चल रहा था, 31, ओके 20-30-31-35 की RSI पे आपको मिलता है, बाय ऑन डिप्स कर लीजिए। 35 की RSI से शुरू करिए, 40 की RSI से शुरू करिए और उसे बाइंग करते रहिए हर एक डिप में, एक एक दो दो स्टॉक्स। उसके बाद जितना ऊपर जाता है यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जितना आप ले सकते आपको लग रहा है गिरावट होगी तो वहाँ से बेच दीजिए। सेम स्ट्रेटेजी देखिए यहाँ पर भी ये इसी लेवल पर गया था, यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर भी 78 की RSI तक पहुँच गया था, फिर उसके बाद गिराए कि नहीं गिराए, फिर यहाँ पर देखिए ये RSI पे आया, फिर उसके बाद भागता हुआ नजर आया। तो देखिए RSI का यूज़ ना बहुत बड़े बड़े लोग भी करते हैं और इसी तरीके से वो मार्केट में पैसा कमाते भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर देखा जाए तो 1% केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने कमाया है, और अच्छी तरह अगर हम देखें कि स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग जिसने RSI के थ्रू या किसी के भी थ्रू अगर कमाया है, तो उसने लगभग मैं पूरी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें ना कितना ऊपर जाएगा वो पता है, कितना नीचे आएगा वो नहीं पता, बट अगर एवरेज लगाया जाए तो एवरेज हाफ तो निकलता है ना, 35-30% के रिटर्न तो कमाए हैं ना। तो इस तरीके की यूज़ करके आप पैसा कमा सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड देखिए मैं आपको वीडियो, मैंने ऑलरेडी अभी एक वीडियो बनाई थी उसे देख लीजिएगा, वो बेहतरीन वीडियो है। इस वीडियो में अगर हम बात करें, इस वीडियो में इसी तरीके से मैंने अच्छा खासा यहाँ पर देख सकते हैं आपको बताया भी था, और अभी अच्छे खासे रिटर्न दे रहे हैं, और मैंने खुद खरीदा था आपको बताऊं। और इसी तरीके से अपन जो शेयर है वो आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहला शेयर है सनोफी में पहले भी वीडियो बनाई थी डिविडेंड से रिलेटेड, लगभग अगर हम बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने का डिविडेंड दिया है कंपनी ने, 350 से ज़्यादा का है, तो यहाँ पर देखिए डिविडेंड दिया है जो कि अभी आप मिलता हुआ नज़र आएगा अपने शेयर होल्डर को जिसने खरीदा होगा एक्स डेट से पहले। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अच्छी कंपनियों को चूज़ करना है। आपको देखना पड़ेगा, मार्केट में टाइम देना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा अच्छी कंपनी कौन सी है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी कौन है। यहाँ देख सकते हैं चार्ट पैटर्न काफ़ी बेहतरीन है, इसी से अंदाज़ा लगता है कि ये कंपनी, देखिए गिरावट तो हर जगह होती है बट अच्छी कंपनी कौन सी है, तो ये अच्छी कंपनी में आती है। इसके फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं, मैंने यहाँ पर वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, ओके आपको पता चलेगा कि अच्छी खासी ये वीडियो है। यहाँ पर देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, FIIs अच्छे हैं, DIIs अच्छे हैं, ओके इसके रिजल्ट अच्छे हैं, इसके रिजर्व्स अच्छे हैं, इसके मोस्टली डेट फ्री कंपनी है, रिटर्न्स अच्छे खासे देती आ रही है, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं सनोफी में लिख देता हूँ, तो यहाँ पर देख लीजिए सनोफी इंडिया लिमिटेड, तो इसका RSI कितना चल रहा है यहाँ पर देख लीजिए, लगभग 31 का RSI चल रहा है। ये शेयर फिर तूल पकड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी RSI नीचे आया है ये शेयर फिर भागा है, फिर RSI नीचे आया है फिर भागा है, फिर दोबारा उसी RSI पे चल रहा है फिर भागेगा। 500 रुपये भी अगर इसने दिए तो आपको 5-10% का प्रॉफिट हो गया, चुपचाप लीजिए, चुपचाप लेके प्रॉफिट बुक करिए। यहाँ पर जब 60-70% के RSI पे 80% के RSI पे आ जाए, चुपचाप प्रॉफिट बुक करिएगा, निकल जाइएगा, फिर वेट करिएगा, और जब तक ये नीचे आएगा तब तक दूसरा शेयर ढूंढ के रखिएगा। कोई ना कोई शेयर आपको अच्छा खासा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर नीचे की तरफ चलता हुआ दिखाई देगा, आप इस तरीके से प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर बात करें दूसरे शेयर की, तो यहाँ पर देखिए हैवल्स इंडिया
काफ़ी बेहतरीन लार्ज कैप कंपनी का स्टॉक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न आपके सामने है। अगर हम यहाँ बात करें, ये लार्ज कैप कंपनी है, 21 के आरओसी से पैसा देता रहा, डेट लगभग 22% का ही डेट है, ज़्यादा डेट भी नहीं है कंपनी के पास। यहाँ पर अगर बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है, FIIs अच्छे खासे है, DIIs अच्छे खासे है, पब्लिक के पास थोड़ी सी हिस्सेदारी है, प्रॉफिट अच्छा खासा है, ओके, रिजर्व्स अच्छे खासे है, यहाँ पर बोरिंग थोड़ी सी बहुत लेती हुई मिली है, कोई इशू नहीं है। इन कंपनी के पास अच्छा खासा ये ग्रोथ देते आई है, यहाँ पर देखिए लगभग अच्छा खासा प्रॉफिट देती हुई आई है, तो ऐसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है। अगर बात करें इसके RSI की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हैवेल्स इंडिया आपके लिए मैं चूज करके लाया हूँ। ये स्टॉक देखिए यहीं पर ही बार बार अपना यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है और ये शेयर यहाँ से अब तूल पकड़ता हुआ मुझे साफ नजर आ रहा है। 40 के RSI पे है। अगर आपके 10,000 रुपये लगाने के लिए आप सोच रहे हो कि मैं 10,000 मत लगाइए, 5,000 लगाइए, ओके, अगर ये नीचे आता है तो ऑब्वियसली बात है आप और नीचे आप 5,000 के शेयर और खरीद सकते हैं। बट अगर ऊपर जाता है ठीक है, कोई इशू नहीं है, अगर ऊपर जाता है तब भी खरीद लीजिए, वरना दूसरे शेयर में देखिए, दूसरा शेयर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप पैसा डिवाइड करके SIPs मोड पे पैसा लगा के अच्छा खासा पैसा यहाँ पर कमा सकते हैं। हैवेल्स इंडिया याद रखना, सनोफी याद रखना। इसके बाद अगर बात करता हूँ मैं, एक और शेयर है डीमार्ट अवेन्यू, ओके, अवेन्यू सुपरमार्ट जिसे डीमार्ट के नाम से जानते हैं। काफ़ी बेहतरीन चार पैटर्न है, मल्टी बैगर स्टॉक है, अच्छा खासा रिटर्न है, यहाँ डेट फ्री कंपनी है, लगभग 2% के आसपास ही यहाँ पर डेट है, 176,000 करोड़ रुपये का मार्केट कैप है, कोई भी प्लेजिंग नहीं है, ओके। और अगर बात करें FIIs की, यहाँ पर भी FIIs भरे हुए हैं, यहाँ पर 10% के FIIs है, DIIs है, 8% की हिस्सेदारी केवल पब्लिक के पास है, बाकी सारी दूसरे लोगों के पास है, रिजर्व्स अच्छे खासे है, बोरिंग थोड़ी सी है ना के बराबर ही, तो और क्या चाहिए, और रिजल्ट तो अच्छे खासे इस कंपनी के आती है, 1,000 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आता है। तो ये कंपनी की कौन सी है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं डीमार्ट, यहाँ पर डाल देते हैं। इसका RSI देख लीजिए, इसका RSI ये देखिए, यहाँ पर 2644 तक आ सकता है, ओके, बट यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है। तो अगर बात करें तो 37 के RSI पे मिल रहा है, इसमें ही SIP मोड, इसलिए ही कहता हूँ कि SIP अगर नीचे आता है तो और खरीद लीजिए, वरना SIP मोड पे थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएंगे तो अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा दूसरा अगर शेयर देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, और एक ही रेंज में अगर बात करें पिछले एक साल की, तो एक ही रेंज में यहाँ पर देखेंगे आप, तो एक ही रेंज में यहाँ पर नज़र आ रहा है, 2400 इसका हाईएस्ट है, 2370 के आसपास, और इसी रेंज में देखिए यहाँ पर कितने साल, मतलब 6-7 महीने से इसी रेंज में आ रहा है, और यहां पर जब भागेगा तब भागेगा, बट अभी तो आपको मौका है ना। अगर यहां पर रिलायंस में लिख देता हूं, तो यहां पर आप देख लीजिए रिलायंस किसके कितने RSI पे चल रहा है, ये चल रहा है 36 के RSI पे, और के और बार बार देखें यहाँ पर इस लाइन पे ही सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए बार बार इसी लाइन पे इसी लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ, इसके ऊपर नीचे सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे शेयरों में इसी तरीके से इन्वेस्ट करिए, अच्छा खासा पैसा आपको बनता हुआ नज़र आएगा। थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, फिर RSI 70-80 के आसपास यहाँ पर देखिए नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, इसी तरीके से ये स्टॉक चल रहा है। और बहुत सारे स्टॉक्स है, फंडामेंटली स्टॉक आपको कल की डेट में अगर और नीचे आ जाता है तो आपको पता तो है ना, रिलायंस का शेयर है कल ऊपर जाएगा, डीमार्ट का शेयर है कल ऊपर जाएगा, हैवेल्स है कल ऊपर जाएगा नीचे आ जाता है तो, सनोफी है फिर ऊपर जाएगा। तो आपको ऐसे ही शेयरों में रहना है, बने रहना है, बेहतरीन रिटर्न्स मिलते रहेंगे। ये 4 शेयर थे, बट मार्केट में 8,000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है, ओके, और आप केवल 500 कंपनी ऐसी मिल जाएगी जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। आप ऐसी कंपनी को चूज़ करते हैं और इस हिसाब से भी चलते हैं, आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज नहीं है, आपको बिल्कुल प्रो नहीं हो, मार्केट में कोई इशू नहीं है आपको, बट थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हो। और इस वीडियो को बिल्कुल मत भूलिएगा देखने के लिए, कैसे 1,00,000 रुपये से 800 करोड़ कमा सकते हैं। इस वीडियो को अप्लाई करके देखिए, ओके, 1,00,000 रुपये लगाने हैं और कोई डर नहीं है। और आप पैसे कौन से स्टॉक में लगा रहे हैं, इन्हीं स्टॉक में पैसे लगाने हैं, 5,000 रुपये आपके महीने में निकलते हैं, ओके, 1,00,000 के 5% आपका प्रॉफिट निकलता है। चुपचाप निकालिए और वेट करिए, फिर निकालिए, फिर वेट करिए, इस तरीके से कर करके अच्छा का पैसा कमा सकते हैं। बाकी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन ही है, एक स्ट्रैटेजी थी जो मैंने आपको बता दी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, बाकी हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास डेली बेसिस पे आती रहे और आप और मैं सब आपस में मिलके नॉलेज शेयर करके अच्छा खासा पैसा कमा सके। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।